इसलिए लालटेन पर कोई सवार नहीं है, उसमें तो तेल ही खत्म हो गया है। इसलिए विधानसभा चुनाव में क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, बाबू साहब को छाती तोड़ देंगे। लालू यादव 1990 में क्या कहा था, बुरा बाल साफ करो, भूमिया राजपूत ब्राह्मण साफ तो नहीं हुआ लालू जी, ये बुरा बाल में इतना ताकत है कि आपको साफ कर दिया। दावे के साथ करते हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों ही सीटों पर एनडीए की ओर से जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन की ओर से भी, हालांकि महागठबंधन अब रहा नहीं, आरजेडी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हम ही जीतेंगे। कांग्रेस भी धुआंधार प्रचार कर रही है। इस वक्त जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी संजय सिंह हमारे साथ हैं। आप भी गए थे, घूम कर आए हैं, तारापुर चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही शायद गए थे, क्या माहौल लगता है? देखिए, दोनों सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीत रहे एनडीए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों के ऊपर इन दोनों विधानसभा में पहले भी मोहर लगा चुका है। कोरोना के कारण दोनों विधायक का मौत हो गया, एक कोरोना के कारण हुआ है, तारापुर एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे। लेकिन मुझको जो घूमने के बाद मौका मिला लोगों से बात करने का, तो लोग 15 साल का आतंक राज देखना नहीं चाहता है। आतंक राज से झेले हुए, खासकर तारापुर, तारापुर में कितना ही माँ का सिंदूर, माँ बहन का सिंदूर उजड़ गया। इसलिए लालटेन पर कोई सवार नहीं है, उसमें तो तेल ही खत्म हो गया है। तो तेजस्वी यादव जी पहले अपने परिवार को तो संभाले। एक भाई कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को समर्थन कर रहा, तो महागठबंधन रहा कहाँ? महागठबंधन ताश के पत्ते की तरह बिखर गया है। कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव जब तारापुर गए हैं तो अगली जातियों को भी, जो फॉरवर्ड्स हैं, उन्हें भी एकजुट कर रहे हैं और उनका भी बटन जो है वो लालटेन पर ही दबेगा। ऐसा है कि मैं दावे के साथ और चुनौती के साथ कहता हूँ, स्वर्ण जाति लालू यादव को भूला नहीं, उसके परिवार को। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, बाबू साहब को छाती तोड़ देंगे। जब आरक्षण का मुद्दा आया, सवर्णों का आरक्षण का मुद्दा है 10% का, देश में एक पहला दल है जिसने आरक्षण का, स्वर्ण जाति को आरक्षण का खिलाफ किया, उस दल का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव 1990 में क्या कहा था, बुरा बाल साफ करो, भूमिया राजपूत ब्राह्मण साफ तो नहीं हुआ लालू जी, ये बुरा बाल में इतना ताकत है कि आपको साफ कर दिया। इसलिए एक एक वोट स्वर्ण जाति का कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, एक एक वोट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के ऊपर मोहर लगाने के काम करेगा। एक एक वोट लोकतंत्र में एक वोट का भी महत्व होता है। संजय जी, दावे किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आपकी ओर से प्रचार हो रहा है, लेकिन उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों सीटें आपने मेरी झोली में डाली जनता से तो सरकार तो हम बना लेंगे। तो पहले भी मुख्यमंत्री बन गए थे, वो चीफ सेक्रेटरी डीजीपी का नाम भी तय हो गया था। तो लोग रात में सपना देखता है, दिन में ही सपना देखते हैं। सपना देखने लिए किसी को मना किया था क्या? एक बार बताइए, पहले अपने परिवार को तो संभाले, तो सरकार बनाने की कोशिश करें। चुनाव जीतेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। दोनों सीट भारी बहुमत से एनडीए जीतेगा, हमारा प्रत्याशी दोनों जगह जीत हासिल। आपने भाई की बात तो कर दी कि हाँ तेज प्रताप यादव अलग प्रचार करेंगे, लेकिन हाँ चिराग पासवान दोनों ही जगह पर प्रत्याशियों को, बहुत लोग वोट कटवा लोग घूम रहा है। इतनी छोटी उम्र में जो लंबी जमान चल रहा है ना, लोगों को मालूम है, लोगों ने गलती किया था विधानसभा में, जब देखा कि फिर से वो आतंक राज आ जाएगा तुरंत अपना मन पलट दिया। यहाँ भी मन पलटा हुआ, लोग जीतेंगे। हम लोग जी के मन को दुखाया था नीतीश कुमार ने, अभी भी उनको अपमानित करते थे, ये तमाम बातें वो रख रहे हैं। कभी अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने, दोनों कोलीग थे, कभी भी नीतीश कुमार जी किसी को अपमानित नहीं करते, नीतीश कुमार जी सबको गले लगाते हैं। जेल भेजने की बात करें नीतीश कुमार को, चिराग पास अब बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह का भाषा का प्रयोग कोई करता है क्या नीतीश कुमार के ऊपर? कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी का आरोप लगा सकता है भ्रष्टाचार का? और कोई एक आरोप लगा दे, नीतीश कुमार जी के ही टीआरपी है। ईमानदारी से उनके संसदीय जीवन को अगर उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव चिराग पासवान जो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं कोई काम नहीं है, तो आपस में मिले हुए हैं ना, आपस में गलगलिया लगाए हुए हैं। हाँ जी, दावे के साथ करते हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। कांग्रेस तो अलग है लेकिन ना, कांग्रेस में मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं, चिंता मत कीजिए। सिर्फ एनडीए को हरा दें, बस एनडीए हारेगा थोड़े, दोनों तरफ भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, दोनों ही तरफ भारी बहुमत से जीत होगी। जेडीयू के मंत्री संजय सिंह थे, कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया और साफ साफ कह दिया कि जीत तो एनडीए की होने जा रही है, चाहे जितना भी प्रचार प्रसार कर ले, क्योंकि जनता
विकास का स्वाद चख चुकी है। 15 साल के शासनकाल को लोगों ने अभी तक भुलाया नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। इसलिए लालटेन पर कोई सवार नहीं है, उसमें तो तेल ही खत्म हो गया है। इसलिए विधानसभा चुनाव में क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, बाबू साहब को छाती तोड़ देंगे। लालू यादव 1990 में क्या कहा था, भूरा बाल साफ करो भूमिया, राजपूत ब्राह्मण साफ तो नहीं हुआ लालू जी, ये भूरा बाल में इतना ताकत है कि आपको साफ कर दिया। दावे के साथ करते हैं, सारे लोग मिले हुए हैं।